साथियों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ राइनस्टोन के बारे में। जैसा कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा, सभी राइनस्टोन के जो वीडियो बनाते हैं वो फॉरेनर है, मगर इंडिया में मैं आपको बताऊंगा राइनस्टोन आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर देखी, हमने आपको राइनस्टोन की एक बनाई थी फोटो, ये देखी, इसकी क्वालिटी देखी, एक हमने ये बनाई थी। इसके बाद मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। हम लोगों ने पहले ट्रायल किया अच्छे से, ये हमने ट्रायल किया है, इसमें हमने डबल कलर यूज़ किए हैं। इसके बाद हमने जो नाम लिखा था उसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है। ठीक है साथियों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। तो साथियों, क्या है कि हमारा राइनस्टोन का वर्क बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग पार्ट में यूज़ करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले यूज़ करेंगे फॉन्ट को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, सेकंड में हम लोग अदर डिज़ाइंस करेंगे, थर्ड में हम लोग पिक्चर्स निकालेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, सीरियल वाइज रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे साथियों, आपके लिए अगर आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको साथियों हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपके पास वो सभी चीज़ें हैं तो आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हमें रिक्वायरमेंट होती है फ्लॉक विनाइल हमारे पास दो साइज़ में अवेलेबल है, 20 इंच में और एक 10 इंच में। ठीक है, ये हमारे पास 10 इंच में अवेलेबल है। मैं आपको कंपेयर बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में दो तरह की विनाइल्स आती हैं, फ्लॉक विनाइल। मार्केट में मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, एक जो राइनस्टोन का वर्क करते हैं उनकी जो विनाइल होती है वो गमिंग होती है, हमारी नॉन गमिंग होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग इसको पील ऑफ करते हैं तो उनका ये जो पार्ट होता है वो गमिंग होता है, मगर हम लोगों के पास जो है वो नॉन गमिंग है, तो हम उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। हम इसके पीछे डबल साइड टेप का यूज़ करेंगे, क्वालिटी उनसे अच्छी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्लॉक विनाइल पहला आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड ज़रूरत पड़ेगी आपको मास्किंग टेप, हीट मास्किंग टेप। ये गर्म होने से पहली बार जलती नहीं है, और साथियों जितनी अच्छी आप मास्किंग टेप यूज़ करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। रीज़न है कि आपका जो राइनस्टोन इस पर पेस्ट करेंगे वो बिल्कुल निकले ना, या फिर इधर उधर मूव ना करे। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मास्किंग टेप, एक रेट की यूज़ करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमारे पास हम लोग ये यूज़ करेंगे, शायद ये सभी जानते होंगे, इससे हम लोग बर्तन वगैरह स्कॉच ब्राइट टाइप का ही होता है। तो ये साथियों हमारे काम में एक बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसा कि फॉरनर में सिर्फ ये यूज़ होता है, हम लोग दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे राइनस्टोन हमारे पास साइज़ कई सारे हैं, मगर अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे 3 mm और 4 mm, अभी हम यूज़ करेंगे 3 mm। तो ये हमारे 3 mm के राइनस्टोन हैं, ये हमारे 4 mm के राइनस्टोन हैं। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे कि फॉन्ट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, अगर आप कोई नाम लिखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, आपको स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बारी में आप इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे फॉन्ट कि इसके लिए क्या कोई स्पेशल फॉन्ट आता है, या फिर आपको किस तरीके से वो डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे, बहुत मुश्किल से निकाला है, तो दिखाता हूं आपको किस तरीके से हम लोग इसे वर्क करेंगे। तो हमें साथियों करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे कुछ भी चीज लिखने के लिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफी धीरे धीरे अपने वर्क को सही बनाते रहे। हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख देते हैं डियर गर्ल, क्योंकि हम लोग लड़की के लिए टी शर्ट बना रहे हैं, और साइज आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जो भी आपको साइज करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है साथियों, हमें इसका जो फॉन्ट है वो चूज करना है TRW लिखेंगे तो TRW क्लीन स्टोन्स करके आ जाएगा, और एंटर कर देंगे। इसका जो हम साइज रखेंगे वो करेंगे 245 का मतलब होता है साथियों कि इसका जो राउंड है वो आपके 3 mm का बनेगा। अगर आप इसको कम कर देंगे 245 से तो छोटे बनेंगे, 245 से बड़ा कर देंगे तो 4 mm में 5 mm में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलो कोई नहीं, हम इसको एक बॉक्स में रखेंगे और इसको कर देंगे हम हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ताकि हमें मिरर इमेज कटिंग होने के लिए मिले। ठीक है, ये हमारा मिरर हो चुका है। सेंड में जाएंगे, जो उसकी सेटिंग्स होगी मैं बताता हूँ। ब्लेड ऑटो ब्लेड आपको 4 करना है,
फोर्स आपको 20 करना है, स्पीड आपको 5 रखनी है, वन पास में हम लोग इसे चलाएंगे। ठीक है, यहां से सेंड करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर किस तरीके से वर्क स्टार्ट होगा। देखा दोस्तों आपने कि हम लोगों ने जो डेयर गर्ल है वो डिजाइन कर लिया है, कटिंग के लिए रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा कैमियो 4 यूज करेंगे और हम लोग यूज करेंगे हमारी फ्लॉक विनाइल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग इसे वर्क में लाएंगे। साथ ही छोटी शीट काट ली क्योंकि हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसे लोड कर देंगे। ये भी लोड हमारे सही से हुई नहीं है, इसे दोबारा करेंगे। ठीक है साथियों, और हमें सेंड की कमांड देनी है। जैसा कि हमने पील ऑफ कर लिया था, हमारी ये विनाइल पील ऑफ हो चुकी है। अब आपको क्या करना है साथियों, आपको ना डबल साइड टेप यूज़ करनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो डबल साइड टेप यूज़ करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इस तरीके से डबल साइड टेप लगानी है ताकि ये अपने प्लेस से हिले ना। ठीक है, इस तरीके से लगानी है आपको, इस तरीके से लगानी है आपको, और ये यहाँ पर लगानी है। ठीक है, ये आपको चारों साइड कवर करनी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है साथियों प्रिंट करने का, आपने इसको निकालना है। और इसको रखना है आपको इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखें इसके बीच में बिल्कुल भी उभार ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपको सिंपल सा प्रोसेस यूज़ करना है, ये जो आपके राइनस्टोन है इनको आपको इसके ऊपर रखना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस आपको यही लेना है, नीचे की साइड यूज़ करेंगे और इस तरीके से आपको प्रेस करना है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे इस तरीके से। जो भी आपका रह जाएगा उस पर आप मैन्युअली एक एक करके लगा सकते हैं, आप ब्लेड का यूज कर सकते हैं, और जहां एक्स्ट्रा है वहां से आपको हटाना पड़ेगा। आपको टी शर्ट पे रखना है इस तरीके से, आपको ये उठा के ये रखना है इस तरीके से। ठीक है, और ये प्रेस कर देना है आपको 15 सेकंड्स के लिए। तो 15 सेकंड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और एक बार आपको इस तरीके से यूज़ करना, सेकंड टाइम आपको पलट के भी रखना है। तो साथियों हमने क्या किया है, आपने जैसा कि देखा हमने प्रिंट किया है, तो ये हमारा जो डेयर गर्ल है वो प्रिंट कर लिया है। ये सिंगल लेयर में है, आप इसको डबल लेयर में वर्क कर सकते हैं, थर्ड लेयर में वर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको अगर आपको फिलिंग के साथ वर्क करना है तो किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, और आपको बता देता हूं अगर ये हमारा बेसिक वर्क था कि आपको बेसिक में किस चीज़ की नॉलेज होती है, आपको इनका वर्क करना आप ये सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग आपको आगे लेके चलेंगे जिसमें हम आपको इस तरह के डिज़ाइन बनाने सिखाएंगे, इस तरह के डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे।
तो और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वर्क को अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कोरल ड्रॉ पर ध्यान दीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज उसकी लेते रहिए। तो ये था हमारी वीडियो में आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इसी के बारे में कुछ अलग कि हम कोरल ड्रॉ पर इसको किस तरीके से वर्क में लाएंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार।